हाई फ्रेंड्स, टेक्निकल सुभाषिस चैनले अपन के स्वागत जानाई। तो आज के सामने एक रकम एक डिजेल लाइट बनाते चले से 35 टाकार बिनिमय आपनारा बनाते पारबेन। तो लाइट टी किभाबे बनाबेन चलुन देखे नेवा जाक। तो बंधुरा, एर आगे सादा डीओबी लाइटर उपरे भिडियो बनिए, ताछाड़ाओ अन्य अन्य कलर डीओबी उपरे भिडियो बनिए। सेगुली सिंगल सिंगल डीओबीते सिंगल सिंगल लाइट थाके, जेमन कोनो डीओबी रेड, कोनो डीओबी ग्रीन, एमनी एमनी आलादा आलादा कलर थाके। तो सेखाने आमी आजके एकटी नतून मडेलेर डीओबी निये एसेछि। एटिर मध्ये आपनारा आलादा आलादा भावे सातटी कलर जालाते पारबेन एकटी डीओबीर मध्ये। तो एखाने आपनारा डीओबी देखेई बुझते पाच्छेन जे ह्वाइट कलर, एटिर मध्ये सिंगल एलईडी कानेक्शन आछे। एखाने आमरा कलारिंग जे डीओबी सार्किट नियेछि, तो एटिर मध्ये देखते पाच्छि जे विभिन्न कलारेर एलईडी एकसंगे कानेक्शन करा आछे। तो अनेक बंधुर प्रश्न थाके जे डीओबीगुलो अति सहजेई केटे जाए बा बेशी दिन लास्टिंग करे ना, तो सेटिर विषयेओ आमी आलोचना करब। तो चलुन भिडियोटी शुरू करा जाक। तो प्रथमे आमी एकटी पुरोनो एलईडी नियेछि एबं एलईडीटी सम्पूर्णभावे आमी ओपेन करे नियेछि, आपनारा देखते पाच्छेन। तो बंधुरा, एलईडी लाइटर मध्य जो वायरगुली थाके सेगुलो मापे अनेकटी छोटो थाके, तो तार जोन्ने वायरगुलिओ आमी डिसकानेक्ट करे नियेछि। तो तार परिवर्ते आमी दुटी लम्बा वायर नियेछि। एबार वायर दुटी आमी भितर साइड दिए इनपुट करे नेब एबं बाइरेर साइड दिए आमी सोल्डिंग करे नेब। तो आमी तार आगे पिनगुलो एकटु मुड़िये निच्छि वायरगुलो। एबार एखाने आमी सोल्डिंग करे नेब। तो एखाने वायरगुलि सोल्डिंग करा कमप्लीट हो गेछे। एबार आमी हिटसिंग नेब एबं हिटसिंगेर मध्य दिए वायर दुटी इनपुट करे नेब। तारपर हिटसिंगटी आमी भालो करे चेपे बसिए देव। तो एखाने आपनारा देखते पाच्छेन हिटसिंगटी आमी भालोभावे चेपे बसिए दिएछि। एबार आमादेर जेटी लागबे सेटी हलो हिटसिंग पेस्ट। तो एटी आपनारा इलेक्ट्रनिक्सेर दोकाने पेये जाबेन। तो हिटसिंगेर पेस्ट आमरा डीओबीर मध्ये दिए नेब। तो बंधुरा, हिटसिंग पेस्ट आपनारा भालो करे दिए नेबेन, कारण एटी हिट हबार थेके अनेकटी रोध करे। तो आमी हिटसिंग पेस्ट दिए निच्छि। तो एबार डीओबीटी आमरा एलईडीर मध्ये बसिए नेब। तो डीओबीटी आमी बसिए निच्छि। तो एखाने डीओबीटी आमी बसिए नियेछि। एबार डीओबीटी टाइट करार जोन्नो दुई साइड दिए आमी एकटु ड्रिल करे छिद्र करे नेब। तो आपनारा चाइले मास्कान दिएओ छिद्र करते पारेन साइड दिए, तो सेटी एकटु रिक्सेर ब्यापार हो जाए। तो फयल डिसकानेक्ट होवार भय थाके, तो आमी साइड दिए माने हिटसिंगेर उपरे साइड दिए आमी छिद्र करे निच्छि। एखाने साइडे हालका जायगा पावा जाए, तो एखान दिए आमी छिद्र करे निच्छि। तो बंधुरा, एखाने देखते पाच्छेन आमी साइड दिए छिद्र करे नियेछि। एकटु ओपेन करे देखाच्छि, आपनारा देखते पाच्छेन छिद्र करे नियेछि। तो एई छिद्र दिए स्क्रूपेर साहाज्ये टाइट करे नेब। तो एखाने आमार स्क्रूप दुटी टाइट करा हये गेछे। एबार पुरोनो सार्किट थेके रेजिस्टेंस एबं एमओबी एई दुटी आमरा खुले नेब। तो बंधुरा, एखाने डीओबीते आमरा दुटी पॉइंट देखते पाच्छि, एकटी एल एबं एकटी एन। तो एई दुटी पॉइंटे आमरा एमओबीर जे दुटी लेग आछे एई दुटी लेग आमरा कानेक्शन करब। एमओबीर कोनो नेगेटिव पजिटिव नेई, आपनारा जे कोनो साइड कानेक्शन करते पारबेन। तो सेई हिसाबे कानेक्शन करे निच्छि। एबार एमओबीर दुई लेगेर मध्ये जे कोनो एकटी लेगे आमरा फ्यूज रेजिस्टेंसटी कानेक्शन करे नेब। एबार रेजिस्टेंसेर अपर प्रान्ते आमरा दुटी ओयारेर मध्ये जे कोनो एकटी ओयार कानेक्शन करे नेब। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটি ওয়্যার কানেকশন করে দিয়েছি এবং দ্বিতীয় যে ওয়্যারটি আছে, এবার দ্বিতীয় ওয়্যারটি আমরা এমওবির অপর প্রান্তে কানেকশন করে নেব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন। তো বন্ধুরা, এখানে আমাদের দুটি ওয়্যারই কানেকশন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার ওয়্যারগুলি ভিতরের দিকে ইনপুট করে নেব। এবার এলইডির গ্লাসটি সেট করে নেব। তো বন্ধুরা, এখানে একসঙ্গে আমাদের সেভেন কালার এলইডি লাইট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এটি এবার আমরা জ্বালিয়ে দেখব। তো বন্ধুরা, এবার আমি লাইটটি আপনাদেরকে জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে সুইচ আমি অন করেছি, তো করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইটটির কালার সাদা জ্বলছে। তো একবার অফ করে অন করে দেখব। তো এবার এখানে দেখতে পাচ্ছি
কালার আলাদা চেঞ্জ হচ্ছে, তো সুইচটি এক একবার চেঞ্জ করলে আপনারা আলাদা আলাদা কালার এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন। তাছাড়াও সাতবার চেঞ্জ করার পর আপনারা সুইচটি দ্বিতীয়বার অন করলে দেখবেন খুব ধীমিভাবে লাইটটি অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হতে থাকবে। এবং তারপর আপনারা যদি রানিংয়ে সেই লাইটটি চেঞ্জ করতে চান তাহলে সুইচটি একবার অফ করে আবার অন করতে হবে। তাহলে এখানে আপনারা লাইট চেঞ্জ হওয়ার গতিটি খুব দ্রুত দেখতে পাবেন। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।